भी नहीं चाहिए, मैं आपसे कभी मिला नहीं, मैं आपको शायद जानता भी नहीं, आप भी शायद अच्छे तरीके से मुझे जानते नहीं, लेकिन अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं वो बहुत है। आप अपने पेरेंट्स को फर्स्ट सैलरी दीजिएगा, उनके ऊपर स्पेंड करना, आप साल में कम से कम दो सैलरी उनके ऊपर 100% पैसा मैटर दीजिएगा। नहीं करता दोस्त, बाकी तो ठीक है, पैसा इतना मैटर नहीं करता जिंदगी में हमारे, पैसा एक लिमिटेड टाइम तक बहुत जरूरी होता है। हम जो स्ट्रगल करते हैं, हम जो जितनी भी परेशानियां दिक्कतें बचपन से देखते हुए आते हैं, टिल द टाइम वी गेट सम मनी इन आर पॉकेट, और वो भी किसकी वजह से, हमारी खुद की वजह से, तो तब तक पैसा मैटर करता है। एक अच्छी एजुकेशन के लिए, जिंदगी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए, कहीं अगर फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए अच्छा ट्रीटमेंट हम करवा पाएं, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, तो वहाँ तक एक अमाउंट ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए हर किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आगे अगर आपके ड्रीम्स बहुत ऊंचे हैं तो उनके लिए भी करनी चाहिए, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, एस्पायर करना कोई बुरी बात लेकिन नहीं है। उसके उसके बाद जो है वो पैसा प्रायोरिटी नहीं रह जाता, फिर वो चलो ठीक है, आपका एक एम्बिशन है, टारगेट है आपका, उसके लिए अच्छी बात है। हाँ, अगर ऐसा हुआ सब एक एक महीने की सैलरी देंगे, अंबानी फेल हो जाएंगे। आपने इतनी बड़ी बात बोल दी, यही बहुत है हमारे लिए, आप कभी याद कर लेंगे जॉब लगने के बाद, वो भी बहुत हो जाएगा। क्योंकि देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता हमेशा, हम जिस माहौल में रहते हैं ना, हम चाहे हम 10th के अंदर हैं, स्कूलिंग के अंदर होते हैं, चाहे स्कूल के बाद आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे आप IIT JEE वगैरह के अंदर आपने की होगी बहुत सारे दोस्तों ने, फिर उसके बाद आपके जब ग्रेजुएशन हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत सारे एग्जाम देते हैं, आप हर लेवल के एग्जाम देते हैं, तो हमें लगता है कि जिंदगी जो है उसी के अराउंड है, हमारी जो लाइफ होगी, फ्यूचर लाइफ जो है वो वहीं से डिसाइड हो रही है उतने से। ठीक है, इट इज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट, यहाँ से आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, जब आप अगर अच्छी जॉब आपको मिल जाती है इस एज के अंदर, लेकिन वो अच्छी जॉब मिलने के बाद भी आपका जो टारगेट्स है वो कम नहीं हो जाते, फिर भी आपका स्ट्रगल चलता ही रहता है, फिर आपको ये लगता है कि यार अभी तो मुझे 20-30-40-50 हज़ार 1 लाख इतनी सैलरी मिल रही है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, खुद का घर लेना है तो क्या होगा, गाड़ी लेनी है तो कैसे ले पाएंगे, और एम्बिशंस क्या होंगे, कल को भगवान ना करे कि हमारी बॉडी को कुछ हो जाए तो फैमिली की इनकम कैसे आनी चाहिए, तो वी शुड लुक फॉर एन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम, की कुछ ऐसा काम करें जिससे कि थोड़ी थोड़ी इनकम एक्स्ट्रा जो है वो भी जनरेट होनी शुरू हो जाए और अपने आप जनरेट होनी शुरू हो जाए। अब तक जो भी हम जॉब करेंगे वो जॉब क्या करेंगे, जितने टाइम हम वर्क कर रहे हैं उतने टाइम हमें पैसे मिल रहे हैं, किसी रीजन से अगर वर्क नहीं कर पाए तो पैसे बंद हो जाएंगे, तो फिर हमारे टारगेट्स वैसे हो जाते हैं। तो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करने का जो प्रोसेस है वो तो चलता ही रहता है। खुश रहना, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि चाहे आप स्टूडेंट फेज में हैं, चाहे आप अर्निंग फेज में आ गए, वर्किंग फेज में आ गए, किसी भी फेज में आ जाएंगे, तो खुश रहना हमारे ऊपर है कि कब हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। तो एग्जाम वगैरह ये क्यों बोल रहा हूँ मैं पॉइंट, क्योंकि आपको भी पता है, आप कोई भी वैकेंसी उठा के देख लो कि किस वैकेंसी के अंदर कितने लोग सेलेक्ट होने वाले हैं और कितने लाखों लोग जो है उसमें अप्लाई करने वाले हैं। इसका मतलब अब ये तो नहीं हुआ कि जो लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट होंगे वही सब अच्छे हैं, वही सब सक्सेसफुल हैं, वही मेहनत करने वाले हैं, बाकी भी तो मेहनत कर ही रहे हैं, उनकी मेहनत वेस्ट थोड़ी ना है, उन्होंने भी अपना इनपुट दिया है, टाइम दिया है, टाइम इन्वेस्ट किया है, मनी इन्वेस्ट किया है, इमोशंस इन्वेस्ट किया है अपने, सब कुछ किया है उन्होंने, तो उनका वेस्ट थोड़ी ना चला जाएगा वो चीज़। तो जो भी आपने मेहनत करने की आदत डाली है, प्रॉब्लम्स को टैकल करने का जो आपका एक्सपीरियंस है वो थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलेगा, और अपॉर्चुनिटीज को देखते रहें, अपने आंखें अपने सेंस जो है वो आप ओपन रखें हमेशा, अपॉर्चुनिटी किसी भी फॉर्म में आ सकती है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा आप लाइफ में क्या करने वाले हैं, आपका टारगेट, लेट से आपका टारगेट है JEE एग्जाम क्लियर करना है, ऐसी जॉब ले लेना, उसके बाद में आपने अभी तक सोचा नहीं आगे क्या करना है, लेकिन अगर आप अपने आसपास ऑब्जर्व करते रहते हैं हमेशा, आपका कोई टैलेंट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल गाना गाना आपका टैलेंट है या कुछ भी ऐसा है, कल को क्या पता आप कहीं बैठे हैं ऐसी जगह, ठीक है टिकटॉक वगैरह ये सब नहीं बना रहे हैं, इसके अलावा कुछ और कर रहे हैं, आपने कहीं पर परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया, किसी को पसंद आ गया तो पता लगे आप एकदम से म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करके, तो ऐसे सबका अपना अपना कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ होता है, तो अगर आपके आपको पता है कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है और किस चीज़ से रिगार्डिंग मिलने वाली है, अगर ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके अराउंड आती है और आप उसको ग्रैब करते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने पास जो आपका अपना सक्सेस है उसको अलग ही लेवल पे ले इंटरेस्ट पे जाएंगे। डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। इतने लोगों की आप स्टोरी सुनते होंगे जो अलग अलग चाय की चेन चलती है, वी कांट नेम द ब्रांड्स हियर, तो आप एक बहुत ही फेमस ब्रांड चेन है, तो उसके अंदर वही होता है ना, कई बार मजाक मजाक में बोल देते हैं कि आपने तो बीटेक कर रखी है, एमबीए कर रखी है, तो बीटेक एमबीए वाले तो आजकल चाय बेचते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हाँ यही बेटर आइडिया है, उसी का काम शुरू किया, लोगों को इतना पसंद आया कि उसकी चेन्स बननी शुरू हो गई, धीरे धीरे इतना मतलब वो ग्रो कर गया कि आज करोड़ों की जो है प्रॉपर्टीज है, मतलब वैल्यूएशन जो है कंपनी का वो करोड़ों का है, करोड़ों का मतलब कई 1000 करोड़ में। तो यू नेवर नो कि कब आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, जिस काम में आपको इंटरेस्ट है उसमें अगर आप वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो वो मेहनत आपको मेहनत नहीं लगती, वो ऑटोमेटिकली आप कर सकते हैं, दिन में 20-20 घंटे कर सकते हैं 24 घंटे में से, क्योंकि वो आप इंटरेस्ट के साथ करते हैं, अपनी लगन के साथ करते हैं, तो कहीं भी डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटीज कई जगह कंसंट्रेटेड है, कई जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको देखना है कि कहाँ वाली अपॉर्चुनिटी आपको सूट करती है, किसको आप ग्रैब कर सकते हो, जहाँ पर जितना सेक्रीफाइस जरूरी हो उतना तो करना ही करना है, अननेसेसरी सेक्रीफाइस जो है वो जिंदगी में कुछ आपको आउटपुट नहीं देंगे, वो सिर्फ आप खुद को परेशान करते हैं। तो क्या मैं जॉब छोड़ दूँ, मर्जी है आपकी, आपको अपने आप ही पता लग जाता है, जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी आपको डिसाइड करनी पड़ती हैं, कुछ डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं, जॉब छोड़नी हो चाहे कुछ भी हो, तो किसी और को देख के ना करें, आपका कोई दोस्त जो है वो IAS बन गया तो हाँ जी हम भी हमारी जॉब छोड़ते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, हम भी तैयारी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी को पता होता है अपने आपका कि मेरी कितनी कैपेबिलिटी है या मैं क्या कर सकता हूँ, किस में मेरा इंटरेस्ट है, तो अपने अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिया करें, आप किसी और को देख के कभी भी मत लीजिए। ऐसा अक्सर एक माहौल हो जाता है ना कि अपने रिलेटिव्स में, दोस्तों में, कोई कहीं पे कुछ, किसी ने काम किया, कोई बिजनेस किया, तो सब लोग उस तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं, यार इसका चल गया तो हम भी इस तरफ चलते हैं, कोई जॉब अगर लिया तो फिर घर वाले हमें बोलते हैं कि उसने कर लिया तुम भी स्टार्ट कर दो, तो ये सब नहीं होता, हमें खुद का पता होता है, हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी इंटरेस्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपने डिसीजन लिया करें।